का अगला पेपर है जो क्लास टेंथ के, वो पेपर है मैथ्स का, ठीक है। और मैथ्स के अंदर ऐसा बहुत यानी कि कम बच्चे होते हैं जिनको यानी कि टेंशन नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जो जो क्वेश्चन करवाया, हमारे चैनल के अंदर जाइए और प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, देखिए मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कराया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा देखिए 8.3 की, यानी चैप्टर नंबर 8 है, उसका नाम है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये ऐसा चैप्टर है ना बच्चों को, यानी कि भले कोई भी हो जाए, भले कोई भी बच्चा हो, लेकिन उसको यानी कि ये यानी कि पल्ले नहीं पड़ता, सीधी बात है। कोई भी बच्चा हो तो यानी कि इस चैप्टर को देखता तो भैया रोने लग जाता है, आपको बस आंसू निकलते हैं उसके। तो इस चैप्टर को हम के जो ये मेन क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको इस चैप्टर के जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा 100%। तो हम एक्सरसाइज नंबर निकालिए आपकी कॉपी के, एक कॉपी भी ले लीजिएगा आप साथ में। 8.3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, 8.3 एक्सरसाइज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है ना सबसे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके लिए आप कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे आपको, ये इजी फॉर्मूला है, कोई आप टेंशन नहीं लोगे, कोई क्वेश्चन की टेंशन की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला के अंदर, सबके फॉर्मूला बिल्कुल सेम है इसके अंदर। सीन क्या है, फॉर्मूला नंबर 1 लिख लेते, लिखते हैं फर्स्ट अपन, ओके। नंबर 1 फॉर्मूला लिखिए, साइन 90° माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, क्या ये फॉर्मूला है, ठीक है, साइन का फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला है कॉस 90° माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन, साइन ए। तो आपको भी लिख रहा होगा, देखिए फॉर्मूला लगभग सेम है, साइन का फॉर्मूला होगा तो कॉस इधर रहेगा, अगर साइन का फॉर्मूला आएगा तो कॉस ये इक्वल्स के अंदर रहेगा, कॉस का फॉर्मूला आएगा तो साइन इक्वल्स के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के अंदर हम सबके फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन का हो गया। अब अपन करेंगे थर्ड नंबर फॉर्मूला है 10 का फॉर्मूला, लिखेगा तो ऐसे आएगा 90° माइनस ए इज इक्वल्स टू कोट ए, ठीक है। और फोर्थ कॉस का 10 का उल्टा होता है कोट, कोट इज इक्वल्स टू 90° माइनस ए इज इक्वल्स टू 10 ए। अब आप मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया कि फॉर्मूला बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, ठीक है। इनके तो जो दो फॉर्मूले और है, वो दोनों फॉर्मूले है किसके, सेक, सेक का फॉर्मूला भी है, सेक का उल्टा होता है कोसेक, सेक का फॉर्मूला भी यही है 90° माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेक, और कोसेक का फॉर्मूला यही है साई कोसेक 90° माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक, यानी सबका फॉर्मूला को उल्टा करना है। एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ओपन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैथ्स के अंदर, तो क्वेश्चन देखते सबसे फर्स्ट अपन, ओके। फॉर्मूला आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब अपन करेंगे क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग है फर्स्ट क्वेश्चन अपना। इसके अंदर करना क्या है, क्वेश्चन कैसे दिया होगा वो भी देख लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा, साइन 180° अपॉन कोस 72°, ठीक है। इस टाइप के अंदर आपको क्वेश्चन दिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा मैं। अब इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ऊपर साइन है, ठीक है, और नीचे कॉस है, तो अपने काम करते हैं फॉर्मूला किसका लिखे, चलिए साइन का फॉर्मूला क्या है, ये साइन का समझे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये कुछ इस टाइप के अंदर हमारा फॉर्मूला था, अभी आपने देखा था, बताया था मैंने आपको, इसी टाइप के अंदर था। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सीन क्या है, को देखिए जब आपने फॉर्मूला देखे थे, वापस फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला था, तो मान लीजिए अब करना क्या है, जब आप क्वेश्चन के अंदर दिया होता है ना, ये क्वेश्चन के अंदर दिया होता है 180 था और 72 था, उनको करना क्या है, जो 180 है 180 माइनस 90 कुछ भी हो उसके अंदर से अपन को 90 माइनस करना है ऊपर वाले के अंदर से, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले के अंदर से माइनस करेंगे तो अब कैसे करना है वो सब चीज़ समझता हूँ। देखिए आप ऊपर था 90 डिग्री था 18 था, तो अपन देखिए कैसे करेंगे, सीन समझिए, इस टाइप का इवेल्युएट क्वेश्चन आता है, आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, इधर 80° से 180 नहीं, ये खाली 18 है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप के अंदर होगा, साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो इधर आ जाएगा कॉस 18 टेंशन मत लीजिए, आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा, थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभी हमसे भी, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको मैं इजीली समझा दूंगा पूरा क्वेश्चन अभी। देखिए सीन ये कोस है, तो अपन लिखना पड़ेगा सीधा फर्क कोस, अपन की अगर अपन किसका फॉर्मूला कर, साइन का करेंगे तो आंसर अपन सोल्व, अगर हम साइन है ऊपर तो इधर कोस लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से ये सीन रहता है। तो इधर आ गया कोस, ठीक है, 90° फॉर्मूले के अंदर है, 90° लिखना इधर, ठीक है, माइनस 18 ये 18° अपॉन, अपॉन में है अपने क्या, कोस 72, कोस 72°, ठीक है। अब करना क्या है, इसको इससे माइनस कर दीजिए, अगर आप माइनस करोगे दे दो ऊपर बचेगा कुछ, कोस 72° अपॉन कोस 72°, एक दूसरे को काट दिया, ठीक है, बचेगा कितना 1, आंसर आ चुका है 1, ठीक है। अब आपको एक डाउट होगा, मुझे बता, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका डाउट नहीं होगा। तो अब इसी टाइप के अंदर हम चार पाँच क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है 10 26°, ओके, 10 26° अपॉन कोट 64°,
करना क्या है, जैसे चल रहा है वैसे कर दीजिए। टेन है तो टेन की जगह क्या आएगा, कोट। कोट यहाँ पे लिख देना 90 डिग्री, माइनस कर दो 26 डिग्री, ठीक है। अपन में क्या कोट का कोट 64 डिग्री का 64 डिग्री, अगर इन दोनों को ये माइनस माइनस करेंगे तो इधर ऊपर वापस बचेगा कोट 64 और नीचे बचेगा कोट 64, कितना बचा इधर 1। सॉल्यूशन खत्म। आपको अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन इसी के टाइप के अंदर दूसरे टाइप दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। आप करना क्या इसी जगह माइनस करना है इसी टाइप के अंदर, तो कोस का उल्टा क्या होता है साइन, अगर साइन आएगा तो कोस लिखना है, अगर कोस आएगा तो साइन लिखना है। साइन का कोस का उल्टा होता है साइन, साइन क्या पे आएगा 90 डिग्री माइनस 48 इधर माइनस साइन 42, ठीक है। ये आ गया इधर साइन का साइन, ठीक है। 90 डिग्री को माइनस किया तो बचेगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 0। ये आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से, तो आराम से आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बार और समझा देता हूं आपको, और एक और इसी टाइप के अंदर एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, यानी कि करेंगे सारे क्वेश्चन, समझे कि आपको टेंशन नहीं रहे 1% भी। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक, तो इधर आ जाएगा क्या सेक, सेक यदि माइनस किया इधर बचेगा 59 डिग्री, माइनस किया तो इधर भी सेक 59 डिग्री का 59 डिग्री माइनस किया बचेगा कितना 0। अब आपके सॉल्यूशन आप 90 डिग्री आता था, ऊपर ऊपर वाला करना भूल गए अपन, सेक इधर 90 डिग्री माइनस 31 अपन ने ऐसे किया ही नहीं था, इधर माइनस सेक 59 ऐसा था ही, फिर ऐसे सॉल्व करके इसको 0 आ गया। आप सीन समझिए, अब आपने कितनी बार तो आपने सोचा था कि यार इसके अंदर 0 वाला उसके अंदर 1 कैसे आ रहा था। अब देखिए सीन समझिए, किसी से पहले अपन जो आप ऊपर वाला डी था 18 वाला, तो ये दोनों अपॉन के अंदर थे, अपॉन के अंदर थे उसका मतलब भी समझिए, अपॉन के अंदर थे मतलब कि उन दोनों को अपन को डिवाइड करना था। अगर 18 को 18 से एक बार काटेंगे, 18 के टेबल के अंदर 18 कितनी बार आते हैं एक बार, तो इस वजह से 1 आ गया था। अब इसके अंदर अपन करके डायरेक्ट माइनस करते तो आंसर सेम नहीं आएगा, समझे आप। ओके अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।